सतनाम श्री वाहिगुरु साहेब जीओ, सतनाम श्री वाहिगुरु साहेब जीओ, बसंत हिंडोल घर दूजा महला चौथा इको अंकार सतगुर प्रसाद, काया नगर एक बालक वसया खिन पल थिर ना रहाई, अनेक उपाव जतन कर थाके बारंबार परमाई, काया नगर एक बालक वसया खिन पल थिर ना रहाई, अनेक उपाव जतन कर थाके बारंबार परमाई, मेरे ठाकुर बालक इकत घर आण, सतगुर मिले ता पूरा पाईए भज राम नाम निशान, रहाओ इहो मृतक मड़ा शरीर है सब जग, जित राम नाम नहीं बसया, राम नाम गुर उदक चुआया फिर हरिया हुआ रसया, मैं निरखत निरखत शरीर सब खोजया, एक गुरमुख चलत दिखाया, बाहर खोज मोए सब साकत हर गुरमति घर पाया, दीना दीन दयाल पए हैं ज्यों कृष्ण बिदर घर आया, मिल्यो सुदामा भावनी तार सब किछ आगे दालद पंज समाया, राम नाम की पैज वडेरी मेरे ठाकुर आप रखाई, जे सब साकत करें बखीली एक रती तिल ना कटाई, जन की उस्तत है राम नामा दह दिस सुबा पाई, निंदक साकत खब ना सके तिल अपने कर लूकी लाई, जन को जन मिल सुबा पावे गुण में गुण परगासा, मेरे ठाकुर के जन प्रीतम प्यारे जो होवै दासन दासा, आपे जल अपरंपर करता आपे मेल मिलावै, नानक गुरमुख सहज मिलाए ज्यों जल जलै समावै, आपे जल अपरंपर करता आपे मेल मिलावै, नानक गुरमुख सहज मिलाए ज्यों जल जलै समावै। वाहिगुरु जी का खालसा।
वाहिगुरु जी की फतेह। उपासना सहज मार्ग। इस अवस्था में गुरु द्वारा दिए शब्द को जीवा से बोलकर प्रभु की आराधना में लगाना। ख्याल चाहे जहां मर्जी घूमता रहे पर शब्द का पल्लू नहीं छोड़ना। शब्द अपनी ताकत रखते हैं। जैसे कोई किसी को गाली निकाले तथा कहे कि मैं तेरा सिर तोड़ दूंगा तो सुनने वाला एकदम क्रोध में आ जाता है। देखा जाए तो उसने सिर तोड़ा तो नहीं होता, लेकिन उसके कहे हुए शब्द ही प्रभाव डालते हैं। इस कारण शब्दों का प्रयोग करते वक्त संकोच जरूर करना है। शुभ अथवा अशुभ शब्दों के प्रयोग के साथ साधक का सफर तथा मंजिल निर्धारित होती है। जुबान के साथ शुभ शब्द का उच्चारण करते हुए सबसे पहले जीवा की सफाई होती है। जिस तरह जब हम घर की सफाई करते हैं तो सबसे पहले बड़ी वस्तुओं को उठाकर करते हैं, जैसे फ्रिज, बेड, फर्नीचर आदि सबसे पहले साफ करते हैं, तथा जब इनकी सफाई हो जाती है तो फिर उससे छोटी वस्तुओं की सफाई करते हैं। उसके पश्चात ही अलमारियां, अटैचियां आदि के अंदर पड़ी हुई वस्तुओं की सफाई करते हैं। इस तरह शरीर का सबसे बड़ा अंग है जिह्वा। इस कारण जिह्वा की सफाई सबसे पहले की जाती है, क्योंकि हम कर्म करते हैं वह लगातार हमारी आत्मा के पास लिपटते रहते हैं, जो हमारे शरीर का स्वरूप निर्धारित करते हैं। इस कारण जो हमारा शरीर है वह पिछले कई जन्मों के इकट्ठे किए हुए कर्मों का स्वरूप है। शरीर का अपना कोई स्वतंत्र वजूद नहीं होता। जिस तरह के हमारे कर्म होते हैं उसी तरह का हमारा स्वरूप बन जाता है। हमारा अस्तित्व केवल आत्म तत्व का है। कर्म ही हमारे आसपास लिपटे हुए हैं। कर्मों के अनुसार ही हमारी वृत्ति होती है तथा वृत्ति के अनुसार ही हमारा जन्म होता है। हमारा मौजूदा जन्म हमारे पिछले कई जन्मों के कर्मों का परिणाम है। इस कारण उपासना से हमारे कर्मों की सफाई होती है, जो बहुत ही आवश्यक है। जैसे जीवा के साथ शब्द का जाप होना होता है तो सबसे पहले जुबान की शुद्धि होनी होती है। उठते बैठते अपने आप शब्द जीवा के साथ चलता जाएगा। ध्यान जहां मर्जी घूमे पर जीवा के अभ्यास के साथ शब्द चलता रहेगा। जब यह अवस्था बन जाए तो उससे अगली अवस्था कंठ के साथ जाप करने की आती है। इस अवस्था में शब्द को गले में ले जाना है। संसार के कार्य करते हुए भी होठ हिलते रहें और आवाज ना आए, और गले में शब्द का जाप करते रहना है। धीरे धीरे यह अभ्यास भी पक जाएगा। बिना याद रखे भी स्वयं ही शब्द कंठ में बसा रहेगा। जब यह अवस्था परिपक्व हो जाए तो शब्द का अभ्यास आसन लगाकर करना व रीढ़ की हड्डी सीधी रखना। सिर सीधे से थोड़ा ऊपर हो जाए तो कोई बात नहीं, जैसे जैसे ठोड़ी सीने की तरफ आएगी वैसे वैसे आत्मा जागृत अवस्था में ना रहकर स्वप्न अवस्था में चली जाती है। गुरु के स्वरूप को दिल में बसाना। जिस तरह साक्षात गुरु का स्वरूप अथवा गुरु की तस्वीर दिखाई देती है उसी स्वरूप को दिल में लेकर आना है। यह स्वरूप पहले तस्वीर जैसा व थोड़े अंधेरे में होगा, फिर यही तस्वीर प्रकाश में आ जाएगी और आखिर साक्षात हो जाएगी। स्वयं को छोटे से स्वरूप में समझकर गुरु के चरणों के सामने बैठकर जाप करना है। यह सब कुछ मन तथा वृत्ति की शुद्धता के लिए किया जाता है। पूर्ण महापुरुष की उपस्थिति में इस स्थान पर जब अवस्था परिपक्व हो तो ऐसा महसूस होगा जैसे पहाड़ पत्थरों की एक कला की चेतनता अथवा पूरा अंधेरा अंदर होगा। शब्द रुका हुआ होगा और अवस्था जागृत रहेगी। नहीं तो हम जब सोते हैं यही आत्मा जब दिल में आती है तब गहरी नींद की अवस्था हो जाती है, जिसमें स्थूल व सूक्ष्म शरीर का कुछ पता नहीं चलता। लेकिन उपासना करते वक्त यहाँ अंधेरा जागृत अवस्था व शब्द अपने आप बंद होगा व एकदम से बंद हो जाए तो इसके पश्चात नाभि पर ध्यान टिकाना है। गुरु के यही स्वरूप तथा गुरु द्वारा दिए हुए शब्द का जाप करते रहना है।
जैसे महाराज जी ने बताया कि इस अवस्था में ध्यान लगाने से व्यक्ति के सभी रोम जीवा बन जाएंगे, जैसे घर के ऊपर टंकी होती है, उसी का पानी सारे घर में सप्लाई होगा। नाभि सारे शरीर की एक किस्म की टंकी है, इस कारण नाभि पर ध्यान टिकाकर शब्द द्वारा परमात्मा के नाम की महिमा करो, अथवा कह लो कि नाभि पर ध्यान टिकाकर परमात्मा के ध्यान के साथ सारे शरीर के रोम परमात्मा के ध्यान में लग जाते हैं। गुरुमुख रोम रोम हर ध्यावे से लेकर इंगला पिंगला व सुषुम्ना नाड़ी तक की यात्रा के लिए गुरुवाणी में इस प्रकार बताया है। गुरुमुख साचे का पो पावे, गुरुमुख वाणी अकड़कड़ावे, गुरुमुख निर्मल हर गुण गावे, गुरुमुख पवित्र परम पद पावे, गुरुमुख रोम रोम हर त्यावे, नानक गुरमुख साच समावे, गुरमुख परचय वेद विचारी, गुरमुख परचय तरिय तारी, गुरमुख परचय सो शब्द ज्ञानी, गुरमुख परचय अंतर विद जानी, गुरमुख पाइय अलख पार, नानक गुरमुख मुक्त द्वार, गुरमुख अकथ कथा विचार, गुरमुख निवहै स्वपरवार, गुरमुख जपिया अंतर प्यार, गुरमुख पाइया शब्द आचार, शब्द भेद जाने जानाई, नानक होमै जाल समाई, गुरमुख धरती सच साजी, तिसमें उपत कपत सोबाजी, गुर कै शब्द रपै रंग लाए, साच रतो पत स्यों कर जाए, साच शब्द बिन पत नहीं पावे, नानक बिन नावे क्यों साच समावे, गुरमुख अष्ट सिद्धि सब बुद्धि, गुरमुख पव जल तरिय सच सुधि, गुरमुख सर अपसर विद जाने, गुरमुख परविरत नरविरत पछाणे, गुरमुख तारे पार उतारे, नानक गुरमुख शब्द निस्तारे। सो शब्द का कहा बास कथियले, जित तरिया पब जल संसारो, त्रै सत अंगुल वाई कहिए, तिस कहो कवन आधारो, बोले खेले अस्थिर होवे, क्यों कर अलख लखाए, सुन स्वामी सच नानक प्रणवे, अपने मन समझाए, गुरमुख शब्दे सच लिव लागे, कर नदरी मेल मिलाए, आपे दाना आपे बीना, पूरा भाग समाए, सो शब्द को निरंतर वास लखं, जह देखा तह सोई, पवन का वासा सुन निवासा, अकल कला तर सोई, नदर करे शब्द कट मह वसै, विचों पर मंगवाए, तन मन निर्मल निर्मल वाणी, नमो मन वसाए, शब्द गुरु पव सागर तरिया, इत उत एको जाने, चिहन वर्ण नहीं छाया माया, नानक शब्द पछाणे, त्रै सत अंगुल वाई औदु, सुन सच आहारो, गुरमुख बोला तत विरोले, चिन्ह अलख पारो, त्रै गुण मेटै शब्द बसाए, ता मन चूकै अंकारो, अंतर बाहर एको जाने, ता हर नाम लगै प्यारो, सुख मना इड़ा पिंगला बूजै, जाया पे अलख लखाए, नानक तेहूं ते ऊपर साचा, सतगुर शब्द समाए। उसके पश्चात नाभि से दो उंगली नीचे ध्यान टिकाकर गुरु का वही स्वरूप ध्यान में रखकर तथा गुरु द्वारा दिए गए
उसी शब्द का जाप करना है। इस अवस्था में साधक को अधिक से अधिक सेवा करनी चाहिए, क्योंकि उसका रोम रोम हरि को याद कर रहा होता है। हरि का नाम इतना पवित्र है कि उसे रोम रोम में बसाए रखने के लिए उतनी ही सेवा की आवश्यकता होती है, क्योंकि सेवा के साथ तन तथा मन की सफाई होती है। इस कारण इस अवस्था में बहुत ज़्यादा सेवा की आवश्यकता होती है। जितनी अधिक से अधिक तथा भारी से भारी सेवा की जाए, वह इस अवस्था पर करनी पड़ती है। यहाँ तक यदि शरीर थक जाए तो ही सेवा से हटना है। यह अवस्था जितनी जल्दी तय हो जाए उतना ही अच्छा है। उसके पश्चात उससे नीचे रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल नीचे कोने पर उसी गुरु स्वरूप पर ध्यान टिका कर उसी शब्द का जाप करना है। यहाँ अति भारी जड़ता रूपी शरीर बन जाएगा, और जितनी मात्रा की जड़ता होगी उतनी ही मात्रा की अति सहजता प्राप्त होती है, और शब्द से भार हट जाएगा। मतलब शब्द बोलते समय रत्ती भर भी दम नहीं लगाना पड़ेगा। जब यह ध्यान परिपक्व हो गया तो यहाँ सफाई हो जाएगी। जैसे बड़ा बड़ा सामान साफ हो जाए तो फिर छोटा छोटा सामान साफ करते हैं, उसी तरह जब बड़े बड़े अंगों की सफाई हो गई तब छोटी नसों की सफाई होती है। इसीलिए यहाँ से सफाई होने के पश्चात ध्यान को दोनों आँखों के मध्य ले जाना है। यहाँ बेहद सूक्ष्म नाड़ियाँ होती हैं, जिसमें से प्रमुख तीन नाड़ियाँ होती हैं, एक इंगला, एक पिंगला तथा बीच वाली नाड़ी को सुषुम्ना नाड़ी अर्थात भ्रम नाड़ी कहते हैं। इंगला तथा पिंगला माया की नाड़ियाँ हैं, इस कारण इनमें ध्यान नहीं टिकाना। बीच वाली नाड़ी जिसे सुषुम्ना नाड़ी कहा जाता है, उसे डट कर पकड़े रखना है, उस पर ही ध्यान केंद्रित करके रखना है। उस स्थान पर गुरु का ही स्वरूप ध्यान में रख कर उसी शब्द का जाप करना है। इस स्थान पर प्रकाश आएगा, उस प्रकाश में गर्मी नहीं बल्कि शीतलता होगी। फिर उसके पश्चात माथे पर जहाँ से बाल आरंभ होते हैं वहाँ ध्यान टिकाना है। महाराज जी ने बड़ी सख्त हिदायत दी है कि माथे तथा माथे के ऊपर की अवस्था में विचरने के लिए साधक को किसी महापुरुष की संगति लगातार करनी आवश्यक है, क्योंकि वहाँ बहुत सी शक्तियाँ घेर लेती हैं, रास्ता रोकने की कोशिश करती हैं। गुरु वहाँ अपने शिष्य की रक्षा करता है, उन शक्तियों को साधक के करीब नहीं आने देता। उसके पश्चात अनहद नाद सुनाई देती है, वह लगातार चलती रहती है, बंद नहीं होती। साधक ने उस तरफ ध्यान नहीं करना बल्कि उसकी अनदेखी करते हुए आगे चलना है। इससे अगली अवस्था है दोनों कानों के बीच से आरंभ करके ऊपर की तरफ जाते हुए सिर के बीच ध्यान केंद्रित करना, इसे त्रिकुटी कहा जाता है। इस स्थान पर भी उसी विधि के साथ ध्यान लगाना है। वही गुरु का स्वरूप तथा वही शब्द, यहाँ ना तो प्रकाश होगा ना ही संगीत सुनाई देगा, लेकिन जड़ता महसूस होगी, मन में स्थिरता आ जाएगी, शरीर की स्थिरता की ताकत बढ़ जाएगी। शरीर में कई कई घंटे बिल्कुल हरकत नहीं होती। यहाँ शब्द और स्वरूप बंद हो जाएंगे, यहाँ त्रिकुटी लीन हो जाती है, अर्थात ध्याता, ध्यान और ध्येय तीनों एक हो जाएंगे, और बीच बीच में सुन समाधि लगेगी, जिसे गुरबाणी में ऐसा बताया गया है, अंतर सुनंग बाहर सुनंग त्रिपवन सुनम सुनंग चौथा सुन जो नर जाने ताको पाप न पुनंग कटकट सुन का जाने पियो आद पुरख निरंजन देओ जे जन नाम निरंजन राता नानक सोई पुरख विदाता। दोनों आँखों के मध्य जहाँ इंगला पिंगला सुषुम्ना नाड़ी है, वहाँ के अभ्यास से दसवें द्वार तक की यात्रा के लिए गुरबाणी में कहा है, राम कली बाणी बेणी जियो की इको अंकार सतगुर प्रसाद इड़ा पिंगला अर सुखमना
तीन वफ़ा इकठाई बेणी संगम तह पिराग मन मजन करे तिथाई संतो तहां निरंजन राम है गुरगम चीने विरला कोय तहां निरंजन रमैया होए रहाओ देव स्थान क्या निशानी तरवाजे शब्द अनाहद वाणी तह चंद न सूरज पौन न पानी साखी जागी गुरमुख जानी उपजै ज्ञान दुर्मत शीजै अमृत रस गगनंतर पीजै एस कला जो जानै पियो एटै तास परम गुर देओ दसम द्वारा आगमा पारा परम पुरख की काटी ऊपर हाट हाट पर आला आले पीतर थाती जागत रहै सो कब होना सोवै तीन तिलोक समाद पलोवै बीज मंत्र ले हृदय रहै मनुआ उल्ट सुन मैं गहै जागत रहै नालिया पाखै पांचो इंद्री बस कर राखै गुर की साखी राखै चीत मन तन अर्पै कृष्ण प्रीत कर पल्व साखा विचारे अपना जन्म न जुआ हारे असुर नदी का बंदै मूल पश्चिम फेर चढ़ावै सूर अजर जरै सो निचर चरै जगन्नाथ स्यों गोफट करै चौमुख दीवा जोत द्वार पल्लू अनत मूल विचकार शब्द कला ले आपे रहै मन माणक रतनाम है गुहै मस्तक पद्म द्वाले मणि माहे निरंजन त्रिभुवन तनी पंच शब्दया निर्मायल वाजे टुलके चवर संक कन गाजे दल मल दैतो गुरमुख ज्ञान बेणी जाचै तेरा नाम। दोनों आंखों के मध्य जहां इंगला पिंगला व सुषुम्ना नाड़ी है वहां के अभ्यास से दसवें द्वार तक की यात्रा के लिए गुरबाणी में कहा है दसम द्वारा अगम अपारा परम पुरुष की काटी। जिस जगह पंडित की चुटिया होती है उसी जगह पर यह स्थान है। यहां उसी तरह शब्द पर ध्यान लगाना है तथा गुरु के उसी स्वरूप के साथ मन को लगा कर रखना है तथा गुरु के साथ वही प्रेम बना कर रखना है। दसवें द्वार तक हट करके पहुंच जाना है, उसके पश्चात हट नहीं करना। प्रेम के साथ अगला सारा रास्ता तय करना है। अपने मन को केवल प्यारे प्रभु के प्रेम में ही स्थित करके मन की वृत्तियों को बाहर जाने से रोककर अपने अंदर ध्यान को केंद्रित करना है। वहां किसी प्रकार का कोई विचार नहीं होना चाहिए और यहां जो गुरु महापुरुष गुरु ग्रंथ साहिब जी का स्वरूप साक्षात हो जाएगा उसी के साथ अपने आप को साक्षात बैठे हुए व भजन करते हुए अपना व महापुरुष का स्वरूप छोटे करते जाना है। बस ध्यान रहे कि शब्द साफ चलता रहे व साफ सुनाई देता रहे और इस कदर छोटा कर देना है कि सुई की नोक के बराबर महापुरुष का स्वरूप और उससे भी छोटा अपना साक्षात स्वरूप हो और शब्द बहुत साफ व गूंज कर सुनाई देता हो। यह सहज अवस्था है, इसमें ही स्वयं को स्थित करके अगला रास्ता तय करना है। यदि ज़्यादा जोर लगाकर जल्दी करने की कोशिश की तो इंसान पागल भी हो सकता है। यह कर्ता का रास्ता है, उसकी कृपा के साथ ही उसकी समीपता मिलती है, उसके साथ जबरदस्ती धोखा नहीं किया जा सकता, जल्दी नहीं की जा सकती। महाराज जी ने बताया कि इस स्थान पर साधना करनी बहुत कठिन है, किसी भी हालत में गुरु अथवा महापुरुष के बिना स्वयं इस स्थान पर
साधना करने की सख्त मनाही है, क्योंकि यह अवस्था है जिसमें जिज्ञासु को तलवार से तीखे तथा बाल से पतले मार्ग से गुजरना पड़ता है। इस कारण साधक अपनी ताकत के साथ इस स्थान से आगे नहीं चल सकता, केवल समर्थ गुरु ही उसे यहाँ से आगे लेकर जाता है। वास्तव में यह सूक्ष्म शरीर का सफर होता है, एक किस्म की मृत्यु जैसी स्थिति होती है। बेशक मृत्यु नहीं होती, पर लगता यही है कि अंतिम समय आ गया। भाव इस अवस्था से गुजरना बहुत कठिन हो जाता है। इस स्थान भाव दसवें द्वार पर जिज्ञासु के लिए आवश्यक है कि स्वयं को अकाल पुरुष से अलग समझे, पर कमाई उसी तरह करते रहना है। ध्यान धारण करने के लिए वही शब्द वही गुरु का स्वरूप होना चाहिए, पर साथ ही साथ प्रभु के साथ पूरा प्रेम बनाकर रखना है। इस स्थान पर अंधेरा आता है, यह चेतन तत्व का अंधेरा होता है। अंधेरे से नहीं डरना चाहिए। जैसे आंखें बंद करने पर अंधेरा नजर आता है, वैसे ही अंधेरा सूक्ष्म देश और कारण देश का है, जिसमें ऐसे स्थूल रूप के दिखने वाले लाखों चंद्रमा व सूरज की रोशनी भी वहां कुछ नहीं दिखा सकती, क्योंकि वहां तो केवल अनुभवी प्रकाश ही काम करता है। जिसको गुरबाणी में लिखा है, जैसो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, ऐथे चानन होंदिया गुरबिन घोर अंधार। क्योंकि ये तीनों स्थूल सूक्ष्म व कारण देश एक दूसरे में ही रहते हैं, वह व्यवहार करते हुए भी बिना सरलता व शुद्धता के एक देश वाला दूसरे देश में नहीं रह सकता, जबकि दूसरे देश में जाकर कार्य कर सकता है, उसे अपने देश में वापस आना ही पड़ता है। तीनों देश व उनके अंदर रहने वाले शरीर भी अलग अलग रहते हुए भी एक जगह ही रहते हैं। जैसे इंसान के शरीर में ही तीनों गुण तमो रजो सतो रहते हैं व अलग अलग तरीकों से काम करते हैं। सरलता का मतलब है जो दिख रहा है वो सच है, और सच मान लेना जैसे हम सपने में हर रोज व्यवहार करते हैं, पर पूजा पाठ रूपी अभ्यास करते करते जब हम उस स्थूल शरीर को छोड़कर अपने ही सूक्ष्म शरीर को देखते हैं तो घबरा जाते हैं, क्योंकि इसको सच मान नहीं पाते। वहां भी अपना भार रूपी हाड़ मांस वाला पिंजरा ढूंढने लगते हैं। सूक्ष्म देश व शरीर का मतलब ही है कि बिना भार वाली चीजों का देश। ऐसे ही जैसे दूर से कोई चीज देखते हैं तो पहचानने लगते हैं कि वो क्या हो सकता है, लेकिन वही जब नजदीक आ जाती है या हम उस देश के नजदीक पहुंच जाते हैं तो भली भांति उसे जानने लग जाते हैं। इसी को शुद्धता कहते हैं कि जैसे सूक्ष्म देश में पहले पहले तो चारों तरफ अंधेरा महसूस होता है, लेकिन जब शुद्धता बढ़ती है तो वही देश का अंधकार अनुभवी प्रकाश में बदल जाता है। अब सूक्ष्म देश में अपने भारी शरीर को खोजता रहे या इससे अगली पढ़ाई में कारण देश में पहुंचकर अपना आकृति वाला शरीर खोजता रहता है, अशुद्धता इसमें जो सब कुछ सच दिखाई देता है वह सरलता के द्वारा दिखता है। शुद्धता में वह देश व शरीर आम हो जाता है, ताकि हम वहीं तक ना रुके रहें और आगे बढ़कर अपने घर तक पहुंच जाएं। इसलिए दशा जो कि निरंतर यह बताती चली जाएगी कि जो हम कर रहे हैं वो सच्चा है, और क्या कर रहे हैं, कैसा चल रहा है। दिशा तो उस माया के देश से बाहर निकलकर अपने सच्चित आनंद रूपी देश व शरीर तक पहुंचने के लिए इस उपयुक्त दिशा में चल रहे हैं, और अंदाजन कहां तक पहुंच गए हैं। इस दशा और दिशा को हमें दो बार हर रोज चेक कर लेना चाहिए। बस कभी अच्छी व लंबी बैठक लगाई है, सब हर रोज सुबह जब सोकर उठते हैं तो उठे नहीं, 15 मिनट लेटे लेटे चेक करें, ताकि जो विघ्न बाधा आ रही है वह साफ साफ स्पष्ट रूप में सामने आ सके और उसका उत्तर भी इसी तत्व ज्ञान में ढूंढा जा सके। जैसे अमूल्य लाल या बहुत कीमती हीरा या बहुत कीमती चीज़ तीन बहुत मोटे और भारी डिब्बों में बंद हो
और दूसरी तरफ वैसी ही चीज एक भारी और मोटे डिब्बे में बंद हो तो कौन सा आजाद वातावरण में कितना नजदीक या दूर है, अर्थात एक डिब्बे वाला या तीन डिब्बे वालों से बहुत ज्यादा शुद्ध व आजाद वातावरण के नजदीक है। जैसे गुरबाणी में फरमान है, रूप ना रेख ना रंग किछ त्रै गुण ते प्रभ पिन ते सह बुझाए नानका जिस होवे सो प्रसन्न। भगवान का कोई रूप रंग आकार नहीं है, इसी हिसाब से स्थूल शरीर में बैठकर आंखें खोलकर जुबान से पाठ करते हुए उपासना करते हैं तो यह तीसरे डिब्बे में है, और जो आंखें बंद करके अपना और गुरु के स्वरूप का ध्यान रखते हुए अंदर से ही गूंज गूंज कर शब्द पढ़ते हैं ऐसे वाले दूसरे डिब्बे में है, और जो बिना किसी स्वरूप के और बिना किसी स्वरूप वाले भगवान की उपासना करते हैं पर वहाँ खुद व भगवान का स्वरूप व वातावरण रूपी देश के प्रत्यक्ष प्रमाण होते रहते हैं तो ये पहला डिब्बे व कारण शरीर में उपासना करने वाले कहलाते हैं, और अपने असली शरीर व असली देश के बहुत नज़दीक होते हैं तो उनको घबराना नहीं चाहिए कि हम अपनी असलियत से दूर हो जाएंगे, क्योंकि कुछ साल पहले हमारी जो आज सकल सूरत है वह नहीं थी, और इससे पहले जन्म में हमारी शक्ल सूरत और थी, और इससे पहले जन्म में शक्ल सूरत कुछ और थी। आखिर पहाड़ पेड़ पशु पक्षी की अनेक शक्लें धारण करते हुए आज इस शक्ल सूरत पर पहुँचे हैं। ध्यान रहे बिल्कुल इसी वक्त प्रकृति आएगी और हमारी तलाशी लेगी। हमारे तीनों गुणों में से कहीं पर भी हम कमजोर हैं उसे प्रकृति खोलकर और बड़ा बनाते हुए सूक्ष्म शरीर से होते हुए वापिस हमें स्थूल शरीर पर ला खड़ा करेगी, लेकिन ये वक्त इम्तिहान का वक्त है। यहाँ पर कमजोर नहीं पड़ेंगे, अड़िग हो जाएंगे, अचल अत्यंत सहज सजग निर्लेप व निर्भय हो जाएंगे। इतनी मेहनत भरा लंबा सफर तय करके इतनी ऊंचाई पर पहुंचा हूँ कि इन तीनों गुणों में से किसी पर ठहर कर अपना कीमती वक्त बेकार नहीं होने दूंगा। मछली कितना समय पानी से दूर रहकर व कोई परदेशी कितना समय अपने देश से दूर रहकर रोता चीखता चिल्लाता व तड़पता रहेगा, अर्थात हमें खुशी होनी चाहिए कि हम अपने सच्चे देश व अपने सच्चे स्वरूप के बहुत नज़दीक पहुंच चुके हैं जो कि कभी भी नष्ट होने वाला नहीं है। इस अंधेरे को समर्थ गुरु ही पार करवा सकता है। इसके पश्चात प्रकाश का फैलाव होता है, अंदर भी प्रकाश तथा बाहर भी प्रकाश दिखाई देता है। साधक को इस प्रकाश के बारे में ज्ञान होता है कि यह किस शक्ति का प्रकाश है। ज्यो-ज्यो व्यक्ति शब्द तथा गुरुमूर्ति के बीच ध्यान टिकाकर अभ्यास करता है त्यों त्यों पहले बाहर का तथा फिर अंदर का प्रकाश समाप्त हो जाता है। यह जो एकात्मकता की अवस्था होती है वही आनंद की अवस्था होती है। बाहर का तथा अंदर का प्रकाश दोनों आनंद ही हैं, लेकिन यह बहुत आंशिक मात्र है और झलक मात्र है, क्योंकि इन दोनों में वह सच्चा आप ही है। वह आप ही जड़ है तथा आप ही सूक्ष्म है। जड़ सूक्ष्म तथा चेतन उसी के ही तत्व है। जड़ उसकी प्रकृति है तथा चेतन तत्व का वह स्वयं है। उसका स्वभाव आनंद स्वरूप है। उसके आनंद का खरबुआ हिस्सा यदि किसी पर छिड़क दिया जाए तो उसकी भी शक्ति इतनी होती है कि उससे सहन नहीं होती। उसके पश्चात जिज्ञासु की एक रस आनंद की अवस्था बनती है, पर सिमरन अभ्यास इस अवस्था में भी करते जाना है। वहाँ ध्यान में बैठकर जो अपने से अलग वाहेगुरु का आभास हो रहा है उसमें एक हो जाना है। पीछे जो अंधेरा तथा प्रकाश नजर आया वह आंशिक रूप से ब्रह्म के नज़दीक होता है तथा यह प्रकाश सफ़ेद होता है। जब यह हट जाता है तो वह जो आनंद की अवस्था होती है वह सफ़ेद नहीं होती, बेशक होती वह भी प्रकाशमयी है,
यहाँ जाकर आनंदमय कोश का पता लगता है। उसमें हम स्वयं जाते हैं। वही आनंदमय कोश के बीच में जिस समय बैठकर उपासना करते हैं तो धीरे धीरे उस आनंदमय कोश को भी हम छोड़ देते हैं। फिर जाकर वह जो ब्रह्म रूप है परमात्मा, उसके बीच परिपूर्ण पहुंच जाते हैं। पहले जिज्ञासु प्रकृति में एक रूप हो जाता है तो दुखों में भी रहता है, पर जब चेतन तत्व में एक रूप होता है तो उसे वास्तविक आनंद का एहसास होता है। उसके पश्चात ही उसे पता चलता है कि मैं कौन हूँ, मेरा वास्तविक अस्तित्व क्या है। जब उसे एहसास होता है कि मैं चेतन तत्व हूँ तथा ना तो मैं प्रकृति हूँ ना ही प्रकृति का प्रभाव मुझ पर हो सकता है, इस अवस्था में इस काबिल हो जाता है कि अपने आसपास चिपकी हुई प्रकृति को अपने ऊपर प्रभावित नहीं होने देता। जैसे मकड़ी के जाले को हाथ से साफ कर लेते हैं, इस तरह जिज्ञासु अपने आसपास से प्रकृति को हटाकर अपने शुद्ध स्वरूप को स्वयं ही उजागर कर लेता है। उस अवस्था में पहुंचकर उसे पता चलता है कि अकाल पुरख में तो रत्ती भर भी प्रकृति नहीं, प्रकृति तो उसका रचा हुआ मात्र एक खेल है, पर वह स्वयं उस खेल से ऊपर है। प्रकृति को सच मानकर इंसान उसके साथ ही लबालब भरा रहता है, इस कारण उसके प्रभाव करके परमात्मा को भूला रहता है। पर जब वह प्रकृति से पार शुद्ध स्वरूप चेतन तत्व परमात्मा की उपासना करता है तो वह प्रकृति से पार हो जाता है, यहाँ तक कि हम साक्षात ब्रह्म तक पहुँच जाते हैं। ब्रह्म से आगे सत चित आनंद तक पहुँचने के लिए प्रेमा भक्ति मार्ग, सहज मार्ग व ज्ञान मार्ग के पश्चात साक्षात भगवान तक पहुँचने के लिए इन तीनों के पश्चात अगली अवस्था के बारे में बड़े महाराज जी संत ईश्वर सिंह जी ने इस तरह कहा, जिन लोगों को पूर्व जन्म की भक्ति के संस्कारों के बल सत्संग और सत्पुरुष का मेल युवा अवस्था में या बचपन में ही हो जाया करता है, लोग युवा अवस्था में भक्ति साधना जोर लगाकर किया करते हैं। जिन भक्ति साधनों का फल ब्रह्म ज्ञान अथवा प्रभु की प्राप्ति होता है, जिसको पाकर तमाम दुखों से मुक्त हो जाता है। ज्ञान, जीव ब्रह्म की एकता को जानना, पहचानना व मानना, विज्ञान उसमें स्थित होना। वाहे गुरु आहे गुरु, वाहे गुरु आहे गुरु, आहे गुरु वाहे गुरु, आहे गुरु, आहे गुरु वाहे गुरु, आहे गुरु, आहे गुरु वाहे।